हाय एवरीवन, आज का व्लॉग है फूड व्लॉग और हम बनाने वाले हैं साबुत उड़द और राजमा मिक्स। नॉर्थ में इसे दाल मखनी के स्टाइल में बनाया जाता है जिसमें कि खूब मक्खन और फ्रेश क्रीम डाला जाता है, बट टू मेक इट हेल्दियर हम बिना मक्खन या घी के बना रहे हैं, लेकिन ये उतनी ही स्वाद होगी। एंड देयर इज अ ट्विस्ट, मैं नहीं बनाऊंगी, मेरे हस्बैंड बनाएंगे, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं और ये बात मानने में मुझे कोई भी संकोच नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। हमने 1.5 कटोरी उड़द की दाल जिसे काली दाल भी कहते हैं और 1/2 कटोरी राजमा पहले से ही सोख करके रखे थे जिसमें जिंजर पेस्ट मिला दिया है, हींग डाला है और अब हम डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार, और इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो इसे कुकर का ढक्कन लगा दिया है, इसको आधे घंटे के लिए बॉईल करेंगे, करीब 6 या 7 विसल्स आएंगी तो दाल अच्छे से मिल जाएगी। जब तक ये होता है ये हम तैयार करते हैं टमाटो और अनियन का पेस्ट। हमने प्याज छील के धो लिया है, अब इसे काट के हम ग्राइंड करेंगे। ये हमारा प्याज अच्छे से ग्राइंड हो गया है, आप चाहें तो प्याज को फाइनली चॉप भी कर सकते हैं, ग्रेट भी कर सकते हैं। दोस्तों पैन गरम करके इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, ऑयल के अंदर थोड़ा जीरा, तो जैसे जीरा क्रैकल होगा उसमें ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट, अनियन पेस्ट को बॉईल कर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब जब तक ये प्याज गोल्डन ब्राउन होंगे तब तक टमेटोज को ग्राइंड कर लेंगे। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू फाइनली चॉप भी कर सकते हैं, बट आई लव ग्राइंडिंग। अब इसमें सूखा हरा धनिया पाउडर और सूखी लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला हम पहले भी डाल चुके हैं इसलिए अब सिर्फ चुटकी भर डाला है। ये सब डालकर अच्छे से इसे मिक्स करना है और पकाना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपने टमेटोज, इन्हें आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक पूरा अच्छे से ये पानी सूख नहीं जाता, एकदम गाढ़ा सा नहीं बन जाता, तब तक इसे पकाना है, पहले तेज आंच पर और फिर मध्यम आंच पर।
गया है, कुकर खोल के अब देख लेते हैं। यस, इट्स परफेक्ट। द दाल इज नाइस एंड रेडी, लुक्स अ गुड मिक्स। यस, उस वाले हाथ से करो जरा, वरना दिख नहीं रहा कैमरे में। खोल के थोड़ा सा और सिमर होने देंगे, तब तक अपने अभी ये भी पूरा प्रॉपर मिक्स हो गया, अच्छा ड्राई एंड नाइस। उसका टेस्टी कुकिंग करने के लिए दो ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक पेशेंस और दूसरा है लव। पेशेंस के साथ कुकिंग करना बहुत ज़रूरी है, वरना जल्दबाजी में मसाले ठीक से तैयार नहीं होते हैं, टेस्ट कमी रह जाती है। और हम कुछ भी घी या मक्खन इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इट्स टोटली हेल्दी। टेस्ट करके देख लेते हैं इसको, कुछ नमक या कुछ। चेहरा ले लूँगी मैं आपका? हाँ, नहीं देना थोड़ा सा भी नहीं। कैसा है? सॉल्ट इज ओके? या, एवरीथिंग इज फाइन। गुड। तीखा है? नहीं। ओके, अभी हमने ये तड़के में डाल लिया ना रेड चिली, वो कर लेंगे। आई थिंक हमें वो गैस स्लो कर देनी चाहिए, दाल नीचे लग जाएगी। तो तैयार हो गया ये, अभी दोनों को मिक्स कर देते हैं। यस, ध्यान से ध्यान से। तो ये जो उड़द की काली दाल है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये वरना बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। थिक दाल आप राइस, पूरी, नान किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो ये वाली। इसको आराम से मिक्स करेंगे थोड़ा। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। सो द फूड इज रेडी, अभी हम खाने लगे हैं। और सत्यम का ओपिनियन जान लें, ऑनेस्ट ओपिनियन। थैंक यू। तो सत्यम को तो दाल बहुत पसंद आई, आई होप आप सबको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। सो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। सी या।